सिद्धार्थनगर जिले में बारिश होने से कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जिले के सिद्धा जमुआ नाला में पानी बढ़ने से असिधवान गांव में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी भरने से आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है, इसके साथ ही धान की फसल भी बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से एक नाव का इंतजाम करने की मांग की है, जिससे उन्हें आने जाने में दिक्कत ना हो। पानी चार दिन से भरा हुआ है। अच्छा। हम लोगों ने इसका वीडियो भी लाइव में मतलब फेसबुक के जरिए शो किया, पर कोई जांच अधिकारी अभी तक उपस्थित नहीं हुए। पूरे गांव वाले परेशान हैं। दवा के लिए सिर्फ केवल एक ही रास्ता है, उसी रास्ते से हलकर सारे लोग बाहर जाते हैं। अभी देखिए आपके सामने दो लेडीज उसमें हलकर दवा के लिए गई है। कुछ गल्ला पानी लेना होता है तो वो भी पानी में हलकर बाहर जाते हैं। अब हम लोगों के लिए इतनी समस्या है कि हम लोग अपने ग्राम प्रतिनिधि से भी और ऊपर वाले अधिकारी से भी रिक्वेस्ट किया, पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। हम आपकी वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर हमारी बात को हमारे जिलाधिकारी महोदय सुन रहे हो तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग जो भी परेशानी के हालत में मुब्तला हैं, हम लोगों के लिए कोई जरिया बनाए, कोई वसीला बनाए, ताकि हमारे लिए भी कुछ आसानी हो सके। कहाँ जा रहे हैं? ये कितने दिन से पानी भरा हुआ गाँव में? दो तीन दिन से। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया? हाँ, गाँव में भी पानी घुस गया है, घर में भी घुस गया है, तो दवा लेने जा रहे हैं पानी में घुस कर। क्या करा जाए?